हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कलाकंद मिठाई की रेसिपी। ये मिठाई बनाना बहुत आसान है और ये बहुत टेस्टी लगती है, और दुकान में जैसी मिठाई मिलती है बिल्कुल वैसी हम घर में बनाएंगे, सुपर सॉफ्ट और सुपर टेस्टी। और इसे बनाने में सिर्फ हमें 2-3 चीज़ों की ज़रूरत है, बहुत इजीली बन जाता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 2 लीटर दूध लिया है और ये फुल क्रीम दूध है, ये गाय का दूध नहीं है, पैकेट वाला जो दूध आता है मैंने वो लिया है। और इसमें से मैं 1/2 लीटर दूध अलग निकाल दूंगी। तो यहाँ पे मैंने 1/2 लीटर ये कढ़ाई में डाल दिया है। इसे हमें गर्म करना है और गाढ़ा करना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना है इसे, रबड़ी के जैसे। और यहाँ पे देखिए, गैस ऑन करके मैंने 1.5 लीटर दूध गर्म होने के लिए रखा है। 1/2 लीटर हम निकाल लिए हैं तो अब इसमें 1.5 लीटर दूध बचा हुआ है, और अब हम इसे गर्म करेंगे। बॉईल आने तक गर्म कर लेंगे। दूध को हमें फाड़ना है तो यहाँ पे मैंने फाड़ने के लिए वाइट वाला जो विनेगर होता है उसका यूज़ किया है। 2 चम्मच विनेगर है और 2 चम्मच मैंने पानी डाल दिया है। अगर आपके पास विनेगर ना हो तो आप नींबू के रस का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी दूध बहुत अच्छे से फट जाता है। मेरे पास विनेगर था इसलिए मैंने ये यूज़ किया है। तो यहाँ पे देखिए, दूध जो है बॉईल हो गया है। दूध को बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, बस 2 बॉईल हो जाए उसके बाद गैस का फ्लेम लो रखें, और लो फ्लेम पे जो विनेगर है उसे हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और चलाते रहेंगे, जिससे दूध है बहुत अच्छे से फटेगा। आप नींबू का रस जब डालें उसमें भी पानी डाल दें, और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डालें और दूध को चलाते रहें। तो यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ और दूध को चलाते रह रही हूँ, इससे दूध जो है ना बहुत अच्छे से फटता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूध जो है फटना स्टार्ट हो गया है। अब देखिए, पानी अलग हो गया और ये जो हमारा छेना है वो भी अलग हो गया है, बहुत अच्छे से ये फट गया है। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे एक स्ट्रेनर में निकाल कर छान लेंगे। छानने के लिए आप सूती के कपड़े का यूज़ करें। तो यहाँ पे देखिए, स्ट्रेनर में मैंने सूती का कपड़ा डाल दिया है और अब हम इसे छान लेंगे। तो आराम से डालें, अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे डाल लें। और ये देखिए, दूध कितने अच्छे से फट गया है, बहुत ही अच्छा छेना बनके रेडी हुआ है। तो अब इसका पानी निकाल लेंगे हम। तो यहाँ पे इसका पानी जो है वो निकल गया है। अब छेने में ठंडा पानी डालना है और अच्छे तरीके से पानी डालकर कपड़े को पकड़ के निचोड़ लेना है सारा पानी, और 15 से 20 मिनट के लिए कपड़े में डाल के इसे रख देना है, ताकि जितना भी पानी हो वो निकल जाए और छेना बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, छेना का जो पानी है बिल्कुल अच्छे से निकल गया है, बहुत ही ड्राई हो गया है ये, और मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसे मसलना है। तो यहाँ पे आप अपने हाथ की हेल्प से भी इसे मसल सकते हैं, या अगर आपके पास मैशर हो तो इस प्रकार से मसलें। देखिए, मेरे पास मैशर है तो मैं इसे इस तरीके से मैश कर रही हूँ। आपको भी ऐसे मैश करना है ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। अभी जो छेना है बहुत ड्राई है तो हम इसे इस प्रकार से स्मूथ कर लेंगे मैश करते हुए। तो अच्छे से बिल्कुल मैश कर लें, हाथ से भी ये बहुत अच्छे से मैश हो जाता है। मैंने इसे मैशर से मैश किया है, आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ से मैश कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसे अच्छे से बिल्कुल मैश करेंगे। इसे मैश करने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि हमें इसे बिल्कुल स्मूथ बनाना है। तो बस हम इस प्रकार से इसे मैश करते रहेंगे, चारों तरफ से इकट्ठा करते हुए मैश कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से बिल्कुल मैश कर लिया है, ये देखिए अच्छे से बिल्कुल ये मैश हो गया है। और यहाँ पे देखिए, मैंने कढ़ाई का जो दूध था, 1/2 लीटर जो दूध लिया था हमने, उसे मैं गर्म कर रही थी, और इसमें मैं 2 चम्मच शक्कर डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, मिठाई थोड़ा सा मीठा होना चाहिए तो आप जितना भी मीठा लाइक करते हैं अपने हिसाब से शक्कर डालें। और इसे हमें अभी थोड़ा सा और गाढ़ा करना है, अभी ये पूरी तरीके से गाढ़ा नहीं हुआ है तो इसे गाढ़ा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसमें अच्छे से उबाल आने लगा है और ये दूध जो है अब ये गाढ़ा भी हो गया है, और जो इसकी मलाई भी है उसे भी खरोच कर डाल दें ताकि ये और गाढ़ा हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, ये गाढ़ा हो गया है। यहाँ पे मैंने 1/2 लीटर दूध लिया था तो हमें इसे बिल्कुल 1/4 भाग करना है। तो चारों तरफ से खरोचते हुए
इसे गाढ़ा कर लेंगे। तो अब जो दूध है बिल्कुल देखिए कम हो गई, दूध की क्वांटिटी बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। अब छेना को दूध में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है, चलाना है और गैस का फ्लेम यहाँ पे आपको लो रखना है, बिल्कुल कम कर दें, जितना कम हो सके उतना कम करके, और इसे आप चलाते रहें ताकि नीचे से ये चिपके नहीं। तो बस इस तरीके से हम इसे चलाते रहेंगे। तो यहाँ पे ये अच्छे से हो गया है। अब हम इसे किसी भी ट्रे में या प्लेट में डाल के सेट करना है। तो यहाँ पे मैंने ये केक्टिन लिया है, इसे हम पहले से ग्रीस कर लेंगे घी से। तो मैंने इसे पहले से ग्रीस कर लिया है, आपके पास जो भी प्लेट हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम छेने को इसमें डाल देंगे और अच्छे से बिल्कुल सेट कर लेंगे इसे। तो फैलाते हुए सेट कर लें अच्छे से। ऊपर से भी बिल्कुल अच्छे से चिकना कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे अच्छे से बिल्कुल चिकना कर लिया है, अच्छे से ये सेट हो गया है। उसके बाद आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं या थोड़ा सा गार्निश करना चाहे तो पिस्ता बादाम काजू से आप गार्निश कर सकते हैं। मुझे पर्सनली इसमें पिस्ता बहुत पसंद है तो मैं इसे पिस्ता को बारीक बारीक कट कर ली हूँ और पिस्ता से गार्निश कर दूँगी। आप जो भी ड्राई फ्रूट्स लाइक करते हैं उससे गार्निश कर दें। इस स्पैचुला की हेल्प से हम थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि पिस्ता जो है ऊपर चिपक जाए। उसके बाद हम इसे आधे घंटे के लिए इस प्रकार छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद हमें इसे कट करना है। तो यहाँ पे देखिए आधा घंटा हो गया है और कलाकंद मिठाई जो है बहुत अच्छे से सेट भी हो गया है। तो अब हम इसे काट लेते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसे मन काट सकते हैं। मैं कलाकंद मिठाई जिस शेप में होता है उस शेप में मैं इसे कट कर लेती हूँ। तो मैं काट रही हूँ तो उससे ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितना स्मूथ और कितना सॉफ्ट मिठाई बना है और इसे बनाना भी कितना ईजी है, आपने देखा ही। तो बस मैं इसे इस प्रकार से कट कर लेती हूँ। तो अब मैं इसे आपको निकाल कर दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट और कितना टेस्टी मिठाई है। तो ये लीजिए, ये सुपर टेस्टी कलाकंद मिठाई बनके रेडी हो गया है और इसे बनाना भी कितना आसान है, आपने देखा ही कितने इजी प्रकार से मैंने इसे घर में बना लिया है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, मेरा फेवरेट मिठाई है कलाकंद मिठाई। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट है और बहुत ही टेस्टी है। तो फ्रेंड्स आप ये कलाकंद मिठाई की रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये मिठाई की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अब मैं आपसे मिलूंगी मेरी ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। मैं अपने चैनल पर इस प्रकार से रेसिपीज लाते रहती हूँ, तो आप मेरे चैनल पर बने रहें। अब मैं आपसे मिलूंगी मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।